नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजरें डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। प्रशांत भूषण को 10 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। कांग्रेस का नेतृत्व संकट में। प्रशांत भूषण की कोर्ट की अवमानना मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय में आगे की सुनवाई हुई। कल प्रशांत भूषण ने एक बयान दायर कर फिर माफी मांगने से मना कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने आज तक के लिए अपना फैसला टाल दिया था। आज कोर्ट ने प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला यानी अगली तारीख 10 सितंबर तक सुरक्षित किया। 10 सितंबर को प्रशांत भूषण को सजा सुनाई जाएगी। अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज की कार्यवाही में न्यायालय से कहा कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जाए और गलती न दोहराने की हिदायत देकर छोड़ दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि लेकिन भूषण को नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया है। इन्होंने कोई भी माफी नहीं मांगी। अगर कोई माने ही नहीं कि उसने गलती की है तो क्या किया जाए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो माफी मांगने में क्या बुराई है। कब तक सिस्टम को यह सब झेलना होगा। कुछ ही दिनों में मैं भी रिटायर हो रहा हूं। क्या यह सही होगा कि आप या और कोई मुझ पर भी हमले करना शुरू कर दे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे प्रशांत भूषण के किसी और जवाब की उम्मीद थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपने ट्वीट्स को सही ठहराते हुए भूषण ने जो भी बयान दिया वह पढ़ना काफी दुखद है। 30 साल के तजुर्बे वाले वरिष्ठ वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बात सिर्फ प्रशांत भूषण की ही नहीं रही, यह एक आम बात भी होती जा रही है। अब देखना यह है कि 10 सितंबर को कोर्ट प्रशांत भूषण को क्या सजा देता है। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस आजकल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर काफी अंदरूनी असमंजस से गुजर रही है। पिछले कुछ सालों से ये लगातार राजनीति रूप से कमजोर होती नजर आ रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार से जुड़े संकट ने एक बार फिर यह जग जाहिर कर दिया कि पार्टी में कोई अंदरूनी परेशानियां है। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया कि फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष पर बनी रहेंगी। आइए देखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का कांग्रेस के इस अंदरूनी संकट पर क्या कहना है। देखिए, असल में कांग्रेस पार्टी का जो असल संकट है उसकी तरफ कांग्रेस के नेताओं का ध्यान कम है। कांग्रेस पार्टी कई बार इस भ्रम में रहती है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो आजादी की लड़ाई में देश की अगुवाई कर रही थी। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब भी मैं इस कांग्रेस पार्टी को देखता हूं या मैं लंबे समय तक कवर भी करता रहा हूं इसकी गतिविधियों को, तो मुझे वो कभी मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं तो मुझे तो कभी ये वो कांग्रेस नहीं लगी। कांग्रेस पार्टी मिसेज गांधी के दौरान ही, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात मैं कर रहा हूं, उन्हीं के दौरान कांग्रेस पार्टी काफी बदल चुकी थी। और आजादी के बाद इसको बदलना ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय वो अम्ब्रेला एक्ट था, एक विशाल विराट मंच थी जिसमें तरह तरह की धाराएं थी, तरह तरह के लोग थे और एक लेवल पर डेमोक्रेसी थी। आपस में बातचीत की, फैसला क्या लिया जाए, किसी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था। तो आज की कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर एक परिवार केंद्रित पार्टी है, इसको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भ्रम होना चाहिए। लेकिन दूसरी एक कहानी यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो एक वैचारिकता है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से एक वैचारिकता लाना चाहते हैं, ये बात मैं मानता हूं। वो अन्य नेताओं के मुकाबले दूसरी पार्टी के भी, बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, इस तरह की पार्टियों के नेताओं के मुकाबले वो काफी इन दिनों पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने की है, इतिहास समझने की कोशिश की है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विडंबना है कि उनके पास जमीनी काम का अनुभव नहीं है। लोगों से संवाद का एक जो शैली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल जो होनी चाहिए और जो ग्रास रूट लेवल जमीनी स्तर की जो समझ होनी चाहिए, जो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि बारीक से बारीक चीजों को जानना, उसकी सख्त कमी है। और जिन नेताओं के पास ये अनुभव है उनको कांग्रेस पार्टी बहुत तरजीह नहीं देती। और कांग्रेस पार्टी में ग्रास रूट के ऐसे नेताओं की अब भारी कमी भी हो गई है। तो कांग्रेस में जो चाटुकारिता की एक प्रवृत्ति रही है, लूट खसोट की, सत्ता का दुरुपयोग उपयोग करने की अपने निजी फायदे में, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक मैं समझता हूं कि उसको पार्टी बने ही नहीं रहने दिया गया है। एक विशाल जमावड़ा है जिसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो ये कांग्रेस की असल समस्या है। तो 23
नेताओं की जो चिट्ठी आई, बहुत सारे लोगों ने समझा उसको पढ़कर कि एक बड़ा ही नैतिकतावादी आवाज है। ज्यादातर वे लोग हैं जिनका जनता से भी कोई बहुत ताल्लुकात नहीं है और बहुत ज्यादा जिनकी एक यूं मैं कहूंगा कि जिनकी वैचारिकता भी उस तरह की नहीं है, और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे ऐसे लोग हैं जो हाल के दिनों में तो राहुल गांधी से बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, जबकि सोनिया गांधी के रिजिम में बहुत कंफर्टेबल थे। तो ये नई पीढ़ी जब से आई है कांग्रेस में, परिवार की पार्टी में, तब से इन लोगों की थोड़ी सी जो एक बेचैनी है वो बढ़ी है, जिसका रिफ्लेक्शन वो चिट्ठी है। लेकिन अंत में मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को अगर सचमुच उसको री इन्वेंट करना है, फिर से उसको खड़ा करना है, तो उसको वैचारिकता अपनी तराशनी होगी जो उसके अंदर नहीं है। विचारहीन पार्टी के रूप में तब्दील हो गई है कांग्रेस पार्टी, जिसके पास कोई आदर्श नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो बीजेपी से मुकाबले के लिए आपको संगठन चाहिए, आपके पास विचार चाहिए। आपके पास संगठन भी नहीं है, विचार भी नहीं है, ये असल संकट है कांग्रेस पार्टी का। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।